अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, लोग पानी को कई तरह से गर्म करते हैं। कोई पैन में गर्म करता है, कोई गैस स्टोव पर गर्म करता है, तो कोई इंडक्शन पर गर्म करता है। और यही नहीं, लोग तरह तरह से पानी को गर्म करने की कोशिश करते हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं पानी को गर्म करने के। लेकिन दोस्तों, इन सभी तरीकों के मुकाबले में इलेक्ट्रिक केटल पर पानी को गर्म करना सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ईजी है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक केटल के अंदर जब आप पानी डालते हैं और पानी को गर्म करते हैं तो पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वो खुद ब खुद बंद भी हो जाती है। आपको बंद करने की कोई जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रिक केटल को। इसके साथ साथ दोस्तों, ये सबसे ज्यादा हमारा वक्त बचाती है। किसी भी तरीके से अगर हम पानी गर्म करेंगे तो अच्छा खासा वक्त लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक केटल के अंदर पानी गर्म करने में बहुत कम वक्त लगता है, जो इसकी मेन बात है, जो इसकी यूएसपी है। जी हाँ, तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे इलेक्ट्रिक केटल के ही बारे में तफसील से बात करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक केटल क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है, इसके फीचर, उसकी खासियतें क्या क्या हैं, और अगर आप इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक पूरा जरूर देख लेना। अब मैं आपसे बात करता हूँ इलेक्ट्रिक केटल के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रिक केटल एक सिंपल किचन अप्लायंस है। इसमें पानी मिनटों में गर्म हो जाता है। जो लोग कॉफी और चाय के शौकीन होते हैं वो इसमें पानी गर्म करके मिनटों में चाय या कॉफी तैयार कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अंदर सिर्फ चाय या कॉफी ही नहीं बनाई जाती, इसके साथ साथ इससे काफी काम लिए जाते हैं। ये बहुत काम आती है दोस्तों। इसके अंदर गर्म किया गया पानी सिर्फ चाय और कॉफी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बहुत सारी चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप इससे कई तरह के काम ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग एग बॉईल भी करते हैं पानी गर्म करके। कोई दवाई अगर उनको पीनी होती है तो वो भी पीते हैं। गला खराब होता है तो पानी गर्म करके मिनटों में पी लेते हैं। किसी को डॉक्टर ने कहा है कि हर वक्त आपको गर्म पानी ही पीना है तो ये खरीद कर वो अपने करीब में रख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी मिनटों में सेकंडों में पानी को गर्म कर देती है। और इसके साथ साथ दोस्तों, इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये बहुत कम वक्त के अंदर पानी को गर्म कर देती है। ये सबसे ज्यादा खास बात है। और इसके साथ साथ इसके अंदर से पानी गिरता भी नहीं है। जैसे ही पानी उबल जाता है फौरन ये बंद हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रिक केटल के अंदर पानी इतनी जल्दी गर्म कैसे हो जाता है, तो इसका सीधा सा और सिंपल सा जवाब है जो आपने बचपन में भी कभी किताबों में पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज़ को गर्म किया जाए और एक ही हीट पर उसको गर्म किया जाए तो बहुत जल्दी वो गर्म हो जाता है। जी हाँ, ऐसे ही पानी के साथ है। जब इलेक्ट्रिक केटल के अंदर हम पानी डालते हैं और उसको बंद करके पकाते हैं तो जो उसकी भाप है, जो गर्म भाप है, वो हवा में तो नहीं उड़ती, वो अंदर ही रहती है। नीचे से हीट आ रही है और भाप जो अंदर बन रही है वो भी अंदर घूम रही है, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से वो फौरन गर्म हो जाता है, जल्द से जल्द गर्म हो जाता है। ऐसे अगर आप किसी पतीले के अंदर, खाली पतीले में किसी गैस स्टोव पे पानी गर्म करेंगे और उसको ऊपर से खुला रखेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त ले जाएगा, लेकिन अगर उसको ढककर पकाएंगे दोस्तों तो यकीन मानिए बहुत कम वक्त के अंदर आपका पानी उबल जाएगा। अब बात ही आती है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक केटल्स कितनी टाइप्स की होती है। तो दोस्तों, फिलहाल अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक केटल्स दो टाइप्स की अवेलेबल है। जी हाँ, एक होती है कॉर्डलेस और दूसरी होती है कॉर्डेड। दोस्तों, कॉर्डलेस और कॉर्डेड में कोई खास फर्क नहीं है। जी हाँ, कॉर्डलेस के अंदर जो उसकी नीचे की बेस होती है उसको आप रिमूव कर सकते हैं और उसको एक जगह पर रखकर केटल को कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन जो कॉर्डेड होती है उसके अंदर उसकी बेस रिमूव नहीं हो सकती। उसके अंदर से वायर डायरेक्ट आ रहा होता है नीचे से, और उसके वायर को आप सीधे अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाकर बड़े आराम से स्विच ऑन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इतना फर्क है, कॉर्डलेस की जो बेस है वो रिमूव हो सकती है, लेकिन कॉर्डेड की जो है वो रिमूव नहीं हो सकती। अब दोस्तों, आप जो भी इलेक्ट्रिक केटल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, आप खरीदते वक्त इस बात का भी खास ख्याल रखिए कि उसकी बॉइलिंग स्पीड कितनी है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, आप इलेक्ट्रिक केटल क्यों खरीद रहे हैं, इसलिए तो खरीद रहे हैं कि पानी जल्द से जल्द गर्म हो और आपका काम फटाफट निपटे। चाय बनानी हो चाय बन जाए, कॉफी बनानी हो कॉफी बन जाए, इसके अलावा कोई और काम करना हो तो वो भी फटाफट हो जाए, इसलिए तो खरीद रहे हैं। तो आप मेरी इस बात पर ही खास ख्याल रखिए कि बॉइलिंग स्पीड किस हिसाब से जो भी आप खरीद रहे हैं उस इलेक्ट्रिक केटल की, क्योंकि इलेक्ट्रिक केटल की जो वाट की रेंज होती है दोस्तों 1.7 किलोवाट से 3 किलोवाट तक होती है, और अच्छी इलेक्ट्रिक केटल की जो वाट की रेंज है वो 3 किलोवाट तक होती है। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा इलेक्ट्रिक केटल खरीदते वक्त। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि जो भी इलेक्ट्रिक केटल आप खरीद रहे हैं उसकी ग्रिप कैसी है। जी हाँ, यानी उसकी पकड़ कैसी है, उसका जो हैंडल है वो आपके हाथ में किस हिसाब से, किस तरह से आ रहा है। अभी अगर आप उसको खाली है, वो उसमें पानी नहीं है, उसको पकड़ के देख रहे हैं तो आराम से पकड़ में आपके हाथ में आ जाएगा वो, तो आपको बड़ी आसानी होगी। लेकिन जब उसमें आप पानी भरेंगे, कोई चीज़ बनाएंगे, पकाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो भारी हो जाएगी, उसमें वजन आ जाएगा, तो उस वक्त शायद उसकी पकड़ मुश्किल होगी। जी हाँ, जो भी इलेक्ट्रिक केटल आप खरीद रहे हैं दोस्तों, उसमें एक बार अगर आप शॉप से खरीद रहे हैं, ऑफलाइन खरीद रहे हैं, तो उसके अंदर आप पानी भरकर और उसके बाद उसको पकड़कर देखिए उठाकर कि वो किस हिसाब से ग्रिप दे रही है। क्योंकि बहुत सारी केटल ऐसी होती है दोस्तों, जब वो खाली होती है तो उनकी पकड़ अच्छी होती है, लेकिन जब उनमें वजन आ जाता है तो ग्रिप बिल्कुल अच्छी नहीं होती, पकड़ उसमें अच्छी नहीं होती, और वो हाथ से फिसलती है, छूटती है। ये बहुत ज्यादा परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकती है, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिक केटल की कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों, ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक केटल जो सेल होती है उनकी कैपेसिटी होती है 1.5 लीटर से लेकर 1.7 लीटर तक।
ये एवरेज है, ये सबसे ज्यादा सेल होती है ऑन एवरेज पूरे इंडिया के अंदर 1.5 से लेकर 1.7। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही कैपेसिटी की कैटल्स आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा भी आती हैं और इससे कम भी आती हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर से लेकर 1.7 तक की जो है वो ज्यादा बेची जाती हैं और ज्यादा खरीदी जाती हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आप इस बात पर बिल्कुल भी गौर मत कीजिए कि 1.5 लीटर है या 1.7 लीटर है जो भी कैटल आप खरीद रहे हैं। जी हाँ, आप इस बात को सोचिए कि जब आप घर पर अपने चाय बनाते हैं, अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं, तो उस वक्त कितने कप का इस्तेमाल होता है, कितना पानी उसमें डलता है, कितना दूध डलता है, क्या इसके अंदर वो बन जाएगा? हाँ, अगर 1.5 लीटर में बन जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, पूरी फैमिली पी लेगी तो बहुत अच्छी बात, आप खरीदिए। अगर आपको लगता है कि 1.7 लीटर में बन जाएगा तो आप उसे खरीदिए, उसे इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा है, इससे कम में भी बन जाएगा, तो आप उसे खरीद के इस्तेमाल कीजिए। आप 1.5 लीटर या 1.7 लीटर पर बिल्कुल भी मत जाइए। जी हाँ, आप अपनी जरूरत के हिसाब से देखिए, जमाने पे मत जाइए कि कौन सी ज्यादा बिक रही है, कौन सी ज्यादा खरीदी जा रही है, आप अपनी जरूरत देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको कि इससे छोटी में भी आपका काम हो जाएगा 1.5 से भी, तो आप उसे खरीदिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 1.7 से भी ज्यादा लगेगा तो आप उसे खरीदिए, चॉइस आपकी, मर्जी आपकी है। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कूल लिड्स के बारे में, यानी उसके ढक्कन के बारे में, जो भी कैटल आप खरीद रहे हैं, तो दोस्तों कैटल्स के अंदर जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि अंदर पानी कितना भी गर्म है, कितनी देर से भी वो ऑन है, कुछ भी आप उसमें पका रहे हैं, वो अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होगी, लेकिन उसका जो ढक्कन होगा वो बहुत ठंडा होगा। जी हाँ, अच्छी कैटल्स की ये खासियत है, आप जब उसके ढक्कन पर हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। ये खासियत है बहुत सारी इलेक्ट्रिक कैटल्स की, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि एक तो आप कैपेसिटी भी देखिएगा अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने घर के मेंबर्स के हिसाब से, और ये भी देखिएगा कि उसके अंदर कोल्ड लिड्स का फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी बच्चे भी टच कर लेते हैं, फौरन उठा लेंगे उसके ढक्कन को, उनका हाथ जल सकता है। और बहुत सारी कैटल्स के अंदर ये खासियत है कि अंदर कितनी भी हीट हो, ढक्कन बाहर से ठंडा रहेगा। और दोस्तों, हमारी कैटल के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल भी होना चाहिए। जी हाँ, जिस भी टेम्परेचर पर आप कुछ भी उसके अंदर उबालना चाहें, पानी, दूध या चाय बनाना चाहें या कॉफी बनाना चाहें, इसके अलावा जो भी करना चाहें, जितना भी टेम्परेचर आप चाहते हो उसमें वो सेट कर सके। बहुत सारे ब्रांड्स आजकल ये फीचर देने लगे हैं इलेक्ट्रिक कैटल के अंदर कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसके अंदर टेम्परेचर चूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी सहूलतें, ये सारी बातें एक अच्छा ब्रांड ही दे सकता है। जी हाँ, आप किस ब्रांड की कैटल खरीद रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फीचर होते हैं और इनका आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप अच्छे ब्रांड की कैटल खरीदते हैं तो यकीन मानिए ये सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी ब्रांड आप अच्छे से अच्छा खरीद रहे होंगे वो आपको सेफ्टी भी देगा। जी हाँ, उसकी कैटल के अंदर सेफ्टी होगी, जैसे पानी जब गर्म होगा तो उसका जो ढक्कन होगा वो खुद ब खुद लॉक होगा, उसे आप खोल नहीं सकते जब वो पानी गर्म कर रही होगी, जब वो ऑन होगी। इसके साथ साथ दोस्तों, जब उसके अंदर पानी गर्म हो जाएगा तो उसकी बॉडी बाहर से ठंडी होगी, अंदर से गर्म होगी, ये भी फीचर होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, जब पानी उसमें उबल चुका होगा, गर्म हो चुका होगा, या जो भी चीज़ आप उसमें पका रहे होंगे वो बन चुकी होगी, तो उसके बाद वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी, ये भी फीचर उसमें होगा। इसके साथ साथ काफ़ी सारे फीचर उसमें होंगे जो सेफ्टी के हिसाब से हमारा भी ख्याल रखेंगे और कंपनी अपनी भी इज्जत रखती है कि हमारा नाम भी बदनाम ना हो। तो इस तरह से आप खास ख्याल रखिएगा कि ब्रांड बहुत ज़्यादा मैटर करता है सेफली और इलेक्ट्रिक कैटल को खरीदते वक्त। अब दोस्तों, मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक कैटल्स तीन टाइप्स के मटेरियल्स में आती हैं, प्लास्टिक में आती है, ग्लास कोटेड में आती है और स्टील के अंदर आती है। ग्लास वाली ये रही और जो प्लास्टिक की है वो ये रही और जो स्टील की है वो ये रही। जी हाँ, तो आप अपने हिसाब से देखिए, जो भी आपको अच्छी लग रही है आप उस हिसाब से उसे खरीद सकते हैं, लेकिन जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपकी उस कैटल के अंदर होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कुछ साल पहले तक की, तो बहुत सारे घरों के अंदर कैटल्स इस वजह से भी खराब हो जाती थी कि उसमें पानी उबालने के लिए रखा और उसके बाद भूल गए, पानी पकता रहा भाप बन के सारा उड़ गया, पानी अंदर से खत्म हो गया और इलेक्ट्रिक कैटल जल गई, जलने के बाद वो खराब हो गई। जी हाँ, लेकिन आज के टाइम में, आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। अगर उसके अंदर उतना पानी नहीं है जितना वो उबाल सकती है, जो उसकी कैपेसिटी है, अगर पानी आप भूल जाते हैं और पानी उबल जाता है, सारा खत्म हो जाता है, भाप बन जाता है, तो वो जलेगी नहीं। जी हाँ, यही है आज के ज़माने की इलेक्ट्रिक कैटल, वो जलेगी नहीं बल्कि अपने आप ही बंद हो जाएगी। उसका सेंसर जो है वो ऑटोमेटिकली उसको बता देगा कि अब इसके अंदर इतना पानी नहीं है जितना हम उबालना चाह रहे हैं, तो अब खामोश हो जाओ, बंद होकर आराम से खड़ी रहो। जी हाँ, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा कि इलेक्ट्रिक कैटल के अंदर अब ये भी फीचर है कि अगर उसके अंदर पानी नहीं है और आप गलती से उसे ऑन कर देते हैं तो वो जलेगी नहीं, काम ही नहीं करेगी। उसका सेंसर उसको बता देगा कि इसमें पानी नहीं है, या पानी खत्म हो चुका है, या पककर सूख चुका है, तो इससे ज्यादा वो हीट उसमें देगी नहीं बल्कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप इस बात का भी खास ख्याल रखिए कि जिस भी ब्रांड की आप इलेक्ट्रिक कैटल खरीद रहे हैं, जो भी आप इलेक्ट्रिक कैटल अपने लिए खरीद रहे हैं, उस पर आपको किस हिसाब से वारंटी मिल रही है। जी हाँ,
वारंटी बहुत ज्यादा जरूरी है इलेक्ट्रिक केटल पर। अगर आप लोकल ब्रांड के खरीदेंगे तो यकीन मानिए ना तो ऐसी क्वालिटीज मिलेंगी और ना ही ऐसी वारंटी मिलेगी जिसमें आप बड़े आराम से उसको सही करा सके। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप अपनी जेब से रकम खर्च कर रहे हैं इलेक्ट्रिक केटल खरीदने के लिए तो आपको क्वालिटी भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। आपका पैसा हलाल है, हराम का नहीं है, मेहनत से कमाया हुआ है, तो आपको वारंटी भी मिलनी चाहिए और आपको ब्रांड का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि आप किस ब्रांड की इलेक्ट्रिक केटल खरीद रहे हैं। जी तो दोस्तों ये थी इलेक्ट्रिक केटल के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने लिए कौन सी इलेक्ट्रिक केटल खरीदनी है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ब्रांड अच्छा होना चाहिए, वारंटी होनी चाहिए और ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ चुका होगा। अगर आपका कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक केटल से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर बताना। इस वीडियो को आप लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा रखा होगा। मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साकिब खान, शुक्रिया।